ओम शांति। 30 मई 2023, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न: पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर: पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत: हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व शिकिलधे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। पाप ने समझाया है, भारत ही पाप आत्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सत्युग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है, यह बाप निमित बना है, क्योंकि समझते भी हैं, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं, इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में यह नंबर वन बन जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला, यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं, वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट पाप से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, तो यह माता गुरु बन जाती है। तवमेव माताश्च पिता तवमेव, पहले माता। सत्युग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उनकी संभाल करनी है। बिचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर सागर में होता है, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो, हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं। बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते हैं, मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके।
ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हरेक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान, वह पतित पावन है। वह एक है, वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भगत पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख काग विष्ठा के समान है। एक पाई का सुख, बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है, वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का सन्यास है। यह है सतोगुणी बेहद का सन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। पांच तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहां तो नंबर वन वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्र आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती। नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रोमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिश बनाएंगे। हरेक को अपनी कमाई करनी है, कमाई का ओना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पे चढ़ जाएगा। इसीलिए हिसाब किताब चुक तू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है तो क्या कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो ईविल सी नो ईविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस रोंग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप हो गए। सिहो हम तत्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं, रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो, मामेकम याद करो। आप मरे मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है, बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, तो अब सारा भारत खास, दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है।
समझो सब मरे पड़े हैं, अब परिस्थान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं, बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी, दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ, यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है, यह है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने, तुम पार्वतियाँ अथवा सीताएँ हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़े हो, बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक रहता नहीं। अब तुम बच्चों को रोंग राइट सोचने की बुद्धि मिली है, राइट क्या है, रोंग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं, मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सोतेले का राज भी समझाया है, सगे पर बाप का ध्यान रहता है, सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे, इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की, विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए, क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। जिनमें पांच विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है, बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है, टॉक नो इविल सी नो इविल का चित्र है, उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल के दिया, जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया, जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया वैसे इसने अपनी बच्ची को दे दिया, समझा यह भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया, उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गोडली हॉस्पिटल अथवा गोडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। यह बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारों पर देवताओं का मंदिर दिखाया है,
नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, ना देवताएं पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं, मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ यह देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है, आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान, फॉलो फादर कर। नंबर वार विश्वों के राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन भव। विस्तार, जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबर वार विश्वों के राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। अच्छा, ओम शांति।